चलिए आगे बात करते हैं दुर्ग की, जहाँ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी नववर्ष की पूर्व संध्या पर भलाई के सेक्टर 5 स्थित विजय ऑडिटोरियम में हनुमान चालीसा का महापाठ हुआ। आपको बता दें, जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता ने हनुमान चालीसा का पाठ कराया और लंका दहन का व्याख्यान दिया। आप जीवन में आने वाली विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष को कभी समस्या मत मानिए। हनुमान जी भी ऐसे संघर्ष करते और आगे बढ़ते और सफल हुए हैं। और कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहीं भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल और धर्मेंद्र यादव समेत गणमान्य नागरिक यहां पर उपस्थित थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि भिलाई नगर निगम के महापौर नीरज पाल के द्वारा इस वर्ष भी पंडित विजय मेहता का प्रवचन आयोजित कराया गया, उसका लाभ हम सब ने लिया। भिलाई ने हर साल की तरह इस साल भी आयोजन इसका किया और पंडित विजय शंकर मेहता यहाँ, उनका व्याख्यान भी था, प्रवचन भी था और उसके उसका लाभ हम सब ने लिया। ये वैसे मैं दूसरी बार यहाँ आया। निश्चित रूप से पंडित विजय शंकर मेहता जी एक बड़ी शख्सियत है इस देश के लिए। मैं सिर्फ प्रदेश की बात नहीं करूँगा, छत्तीसगढ़ की बात नहीं करूँगा, और उनका कहा हुआ वक्तव्य जो रहता है उसे सारे लोग मानते हैं। आज जो विचार था स्वागत और हनुमान जी के विषय पे और स्वागत के विषय पे जो उन्होंने अपनी बात को रखी, कैसी जो पीढ़ी है उसका व्यवहार क्या होना चाहिए, रिश्तेदारों का व्यवहार क्या होना चाहिए, अड़ोसी पड़ोसी का व्यवहार क्या होना चाहिए, खान पान क्या होना चाहिए, दिनचर्या कैसे होना चाहिए, कैसे अपने धर्म और सनातन के प्रति आपको आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपने धर्म की रक्षा करना है, ऐसे बहुत सारे विषयों पे आज बात हुआ, उनका विचार रखा गया। लोगों ने बहुत एकांत मन से जो है उनकी बातों को सुना है।